मॉर्निंग गाइज, अब हम जा रहे थोड़ा सा मार्केट और उस साइड में जा रहे जहाँ पे शॉपिंग वीकिंग हो रही, और एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो उसको देखना ये मिलता है कि नहीं, मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सुबह में बारिश, उस टाइम बारिश थी तो मेरा सामान भूल गया, तो मैं लेने के जाते। चलो मौसम देखते कैसा है, मानना पड़ेगा दार्जिलिंग में बहुत ठंड है इस टाइम पे भी, बारिश में भी इतना भी नहीं, बट ठंड तो है, लग तो रही है, हीटर तो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब सोचो कि ठंडी में कितना ठंड होगी। यहाँ पे फॉगी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अब दीपांजन बाइक निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे इस साइड पे, इस साइड के बाद बाहर से हाईवे और आगे जाके। दार्जिलिंग बहुत छोटा है, जैसे मैंने देखा अभी कि बहुत छोटा, मतलब सिंगल रोड है, और लाइक मेरे को लगा कि ये मिजोरम के रास्ते जैसा ही है। तो अब थोड़ा इसका एक्सप्लोर करेंगे आज, चलो। हम बाहर निकल पड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, पर यहाँ पे ट्रैफिक भी है, संडे है आज, टूरिस्ट आज इस बार ज़्यादा आ गए हैं। यहाँ पे ना ये मिजोरम रूल है, मतलब बोलते ना कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि डबल हेलमेट चाहिए, ये भी डबल हेलमेट है। इधर दीपांजन को आज मुश्किल में डाल दिया मैंने, हाँ बहुत मुश्किल में डाल दिया। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टैंड पे, तो किधर है पता नहीं, वो कल बजट को गया था ना, हाँ वही स्टैंड, वही एक स्टैंड है और सामने और स्टैंड। अच्छा वो गाड़ी कहाँ का था, मतलब गाड़ी का बिल्कुल भी फॉग नहीं है। दार्जिलिंग ट्रेन मिजोरम जैसा रास्ता है, उधर भी ऐसे में ऐसे ही रास्ता है, वन वे टू वे के लिए। तो ये मार्केट शुरू हो जाएगा अभी, ये मार्केट पूरा तरीके से खुला नहीं है। तो भाई ये है मेन सुमो टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे हम कहीं भी जा सकते हैं। आप थोड़ा मार्केट के आसपास जाते, यहाँ से आगे जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं हम लोग, अभी मार्केट जा रहे हैं चौरस्ता। चोर रास्ता क्या है वहाँ पे, जाने के बाद ही पता चलेगा क्या चोर है क्या, तेरे लिए सरप्राइज है। अरे घंटा इधर मेरा वाट लग गया, तेरे को पता है। अब मिल जाएगा वो, मिल जाएगा मिल जाएगा। हम वॉकिंग के जा रहे हैं क्योंकि बाइक का ना थोड़ा पार्किंग के यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसलिए बाइक मत ही लो, वॉकिंग करो, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। बाकी क्लाइमेट तो बहुत ही खूबसूरत है, दार्जिलिंग जैसी जगह में वो बाइक लेके या कोई कार लेके मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
पार्किंग के लिए प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे रूल भी है। और इतना जाम, मतलब जितना टाइम में आप बाइक लेके या कार लेके जाओगे उतना पैदल आप चला जाओगे, पैदल चला जाओगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस नज़दीक ही है। चलो तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो गाइस अब रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। बारिश भी चालू है धीरे धीरे। गाइज़ ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन जो लास्ट है, बहुत ही खूबसूरत है, पर ये बहुत लंबा घुमा घुमा के निकलता है। सच में टिकट आपको नीचे देख दूंगा कितना टिकट है इसका भी। चलो तो यही पे स्टेशन क्या 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 काम तो कर थोड़ा बहुत। मतलब पहले टाइम किसी का बैग, मेरे पास कैमरा है यार, अरे मार देगा तो मुझे भाई। तो अब ये हो गया और थोड़ा आगे जाएंगे, स्टेशन का हो गया और थोड़ा आगे जाएंगे। ये छोटा सा मार्केट है जो अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। चल यहाँ पे होटल्स भी है और मार्केट्स। सुबह सडनली फॉग भी आ चुका है। चलो यहाँ पे कभी भी क्लाइमेट जैसे बोला था वैसे बदल जाता है, सडनली फॉग आ गया, कैमरा बचाना पड़ेगा। ये मार्केट है तो सामने बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। क्या बात कर रहे हो, शायद से इसकी ओपनिंग भी आज ही हो चुकी है, नया ओपन हो गया।
सुबह देखा था यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, पर अभी के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक हो चुकी है, रश हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सी स्टैंड, सुमो स्टैंड है, शेयरिंग में तो डाल रहा है। अब ये शेयरिंग वेयरिंग यहाँ पे हो चालू हो जाता है। हाँ जी, मेरी गाड़ी आ गई, यही गाड़ी तो चाहिए थी मेरे को। देख यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने फ्रेम मेरी बचा के रखी। तेरे को कितना नहीं ढूंढना मैं, तेरे को पता है पांचवा चक्कर है मेरा, ये पांचवा चक्कर। साहब तू एक है भाई, तू एक है, पांचवा चक्कर है मेरा, पता है तेरे को मैं कितना नंबर उनके पास नहीं। फाइनली मिल गया, बहुत मुश्किल से फटी पड़ी थी, इसको पता है कितनी फटी पड़ी थी। सुबह सुबह इसको उठा के ये फ्रेम देना है, इसलिए मैं भूल गया था। 10 तारीख को जब आया था बारिश बहुत था, किधर गए? इधर है, फिर हो जाता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे शॉपिंग हमारे पे मुंबई में एफ एस है, फैशन स्ट्रीट। खाने की चीज़ें भी हैं। तो गाइस ये ऊपर चढ़ के अभी कौन सा जा रहा है, चोर रास्ता, चोर रास्ता जाने वाले, ये चोर है, ये रास्ता चोर है, चोरी कर रहे हैं। कुछ भी सब जगह चढ़न चढ़न ही है यहाँ पे, कहीं भी जाओ नॉर्थ ईस्ट में चढ़ना ही पड़ता है। यहाँ से एक लिफ्ट लिफ्ट मार के और आगे, और कितना दूर है? और दूर है, 10 मिनट उठना पड़ेगा। अच्छा ऊपर डोमिनेज है मतलब ये, हाँ चल के जाके। यहाँ पे ऐसी स्टाइल है पैंट की, तीन आराम से उठ रास्ते। चलो हरपिंग जा रहे क्या? ये कौन से जगह से निकले मेरे को खुद को पता नहीं, कौन सा जगह ये? मेन पॉइंट पे जाएंगे अभी, हाँ चलना आगे। ये इसके पहले यहाँ पे आया था मैं, ठीक है ये मेन पॉइंट पे भी जाएंगे, थोड़ा अलग ही है साला। मेरे को ना मिजोरम जितने बार विजिट किया है ना, मिजोरम जैसा ही दिखता है। अभी क्या है ये जो रोड है, ये मेन टू रास्ता जाने का रोड है। ओके, तो यहाँ पे जितना सब टूरिस्ट लोग आता है, फॉरेनर लोग आता है, सब यही पे घूमता है। कौन से सीजन में यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं? हाँ ज्यादा जाता है। कितने, कौन से सीजन में? कौन सा सीजन है एक्चुअली? तो ठंडा का सीजन जो है, विंटर में ठंडा का सीजन पे आता है। हाँ लेकिन अभी भी 2 साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन, वो सब लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ। अभी फिर पहले जैसे चालू हो गया। चलो ठीक है, बहुत अभी दिखा था आपको मैं, चलो देखते यहाँ पे बंगाली खाना मिलता है। अच्छा ये बहुत टेस्टी होता है। Thank you.
इधर दिखा दिखा ना तू तू दिखा तो सही अभी तो एक्स पीछे पीछे कुछ नहीं एक्स वाई जेड कुछ नहीं है अपना अच्छा वो चल निकलेंगे सो इधर कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता नहीं अब अपने कंट्री में यहाँ पे भी घोड़े लोग हैं ये इसको कुछ तो पॉइंट बोलते हैं पता नहीं कौन सा अपने बंदे किधर हाँ उधर जस्ट लाइक पता नहीं क्या चीज़ है मार्केट ही है समटाइम सब सब ये क्या चीज़ है उधर कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पे गाड़ी जो है हाथ से क्यों चला रहे हो वही समझ नहीं आ रहा आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो अच्छा यूट्यूब में हमारा चैनल है अच्छा तो आप कहाँ पे यही रहते हो आप सिलीगुड़ी में रहते हो आप सिलीगुड़ी में रहते हो मैं भी अभी सिलीगुड़ी से आया अच्छा हम साहब पकड़ते हैं अब फोटोग्राफर भी है अच्छा अच्छा पहली बार आए यहाँ पे अच्छा ग्रेट हम मुंबई में रहते हैं आप मुंबई में रहते हैं हाँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कैमरा 45 से लेके 50,000 का और 45 चलो थैंक यू ऐसे अलग अलग बुक स्टॉल्स यहाँ पे हैं वैसे ही मार्केट ये सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे घोड़े भी आप देख सकते हो राइडिंग हो रही है आगे जाके देखते हैं ये क्या चीज़ है तो रास्ता ही है तो रास्ता ये जैसे ये रास्ता इस तरफ लोगों के लिए मॉल मार्केट मॉल मार्केट है हाँ नीचे साइड में महाकाल मार्केट दोनों मार्केट है जो टूरिस्ट लोग तो जिसको टूरिस्ट लोगों को घूमना है फैमिली वेमिली घूमना है तो यहाँ पे घूम सकते हैं यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं टाइम पास के लिए मेन है पूरा दिन भर घूमने का बाद जब आप लोग सब लोग फ्रेश करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं ठीक है यहाँ पे शाम का रिलैक्स होता है सब लोग ये गंदा करता है रे ये गंदा कर रहता है ये बहुत ये ऐसे ही एक स्टैचू है और यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट और ये सब कुछ हो सकता है अभी हम लोग चौरास्ता में है अभी चौरास्ता से बाजार की तरफ जा रहा है और क्या यहाँ पे क्या चौरास्ता के पीछे बाजार की तरफ ओके और आप जैसे बाजार देख सकते हैं इस साइड में ये यहाँ पे सस्ता माल है और ले सकते हैं माल मतलब यही यार वही सस्ते में ड्रेस मिलता है सस्ते में ड्रेस मिलता है सो अब ये रास्ता डायरेक्ट नीचे कहाँ पे जाता है ये रास्ता नहीं ये टू रास्ता का बाजू वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे क्लाइमेट ठंडा कूल वाला है और यहाँ पे नीचे सीनरी बहुत अच्छा है पर नहीं दिखेगा बहुत दूर है थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा ये अपने भाई बंधु देखो
बाजू में तो तेरे शूटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं मिले कुछ, पूरा आप देख सकते हो कि पूरा हरा भरा है। हाँ बहुत ही घन ऐसे ही जंगल है इस साइड, और इस साइड में देखो आप देख सकते हो कि ये खाई है और क्लाइमेट भी बहुत ही तगड़ा है। सो गाइज यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। जैसे जंगल से यहाँ से हम आए, उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है इस रास्ते पे। पूरा क्लाउडी और फॉगी क्लाइमेट है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे आगे इस रास्ते से आगे, सो गाइज वो जो जहाँ से हम निकले वो रास्ता आता है यहाँ पे, पर ये रास्ता ये जगह नहीं पता कहाँ पे है। जू जाने का रास्ता है कौन सा? ये जहाज जू जाने का रास्ता बहुत दूर है जू ना, अभी थोड़ा 2 किलोमीटर लंबा ही है। अभी इधर से हम लोग रिटर्न जाएंगे, फिर चौरास्ता पे, फिर चौरास्ता पे जाएंगे। चलो ठीक है, समझ गया रास्ता। दार्जिलिंग का मेन प्रोफिस तो ये है। ये है क्या? तो यहाँ पे रास्ता जाम हो जाएगा फिर? दार्जिलिंग ही यहाँ पे है, ठीक है जो। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। और ये कौन सा रास्ता? अभी ये लास्ट है, चौरास्ता का। चौरला चौरास्ता जाएंगे अभी। यहाँ पे मुश्किल से एक चांस मिलता है दार्जिलिंग के इधर फोटो निकालने का। सो गाइस अब जैसे पब्लिक देख रहे हो, बहुत सारी पब्लिक आ गई है, पहले नहीं थी अब आ गई। हाँ क्या दुकान पे पूछा? अरे तुम तमोरी तमो। सो गाइस अब यहाँ से culti.com होने वाले, यहाँ से अभी डायरेक्टली जाएंगे फिर से रूम पे। हाँ रूम पे पहले थोड़ा खा पी लेंगे, ठीक है, बाद में रूम पे जाएंगे। और एक टिम्बूर नाम करके बोए का भाई ने मुझे बोला था, कुछ तो अचार विचार का आइटम है वो लेके जाना है, देखते मिलता है कि नहीं इस साइड में। अभी सीज़न शुरू हुआ है मैंने ऐसे खबर मिली है। चलो यहाँ पे पब्लिक अभी बढ़ने लगी है और यहाँ पे रुकना अभी सेफ नहीं है भाई, नहीं कल्टी मारो। अब देखो पब्लिक यहाँ पे गए कभी शिमला में? भाई साहब सडनली फॉग बढ़ गया, किधर गए बंदे लोग किधर गए? अरे इधर खा लेंगे क्या? खाना है कुछ इधर? नहीं ठीक है। अचानक से फॉग बढ़ गया है और मैं डर रहा हूँ। यहाँ पे घोड़े हैं। इस साइड में खाने की भी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। अभी आप देख सकते हो ये फॉगी क्लाइमेट जो बढ़ रहा है, पहले कुछ नहीं था, अब फॉग धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओ भाई साहब फॉग तो देखो राइट कर रहे हैं। बोलने का बात था ये, उसको बोल इज्जत मेरे मार दूंगा। नहीं उसको इंग्लिश नहीं आता इसलिए उसने बोला यू कैन सी। अच्छा देख पाता हूं आप मेरे पीछे पीछे आ रही है, पीछे देख रहे हो। धीरे धीरे पब्लिक बढ़ना शुरू हो गई है, मेरे पीछे तो पब्लिक बहुत आ रही है। धीरे
ये है नाइट लाइफ ऑफ दार्जिलिंग मार्केट। आप देख सकते हो यहाँ पे भी, जैसे शाम में हम आए थे तब तो लाइट थी, अब थोड़ा थोड़ा लाइट है, फॉगी क्लाइमेट है और लाइटिंग चालू हो गई है। तो गाइस फाइनली हम बाहर के रास्ते पे आ गए। भूल बुलाई है बहुत बड़ी, ये बाहर का रास्ता, अब अपना काम करेंगे। ये देख नखरे तो देख इसके। सो गाइस अपने साथ है आसाम के बड़े रिसर्चर प्रणय। तो आप यही है अपना दोस्त कौशिक के साथ हम निकलेंगे। आजा आजा, वेलकम टू कोच बिहार। वेलकम वेलकम।